Hello friends, myself is Sunuka from Institute of Medical Sciences and you are watching ASS Tutorials. In my previous video we have discussed about C4 cycle and in this video we are going to discuss about CAM CAM cycle. So this is your CAM cycle. Full form is Crassulacean Acid Metabolism Cycle. Okay, and this was discovered in your bryophyllum plant. This is not given in NCERT, but many times questions has been asked from this topic. Okay, so it is very important for you. तो आपको ध्यान देना है CAM cycle के बारे में. तो full form तो simple है, Crassulacean Acid Metabolism Cycle. यह सबसे पहले कहाँ discover हुआ था? Bryophyllum में discover हुआ था. इसमें एक ही type के cell मिलते हैं, ठीक है, दो type के cell नहीं, मतलब कहने का मतलब मेरा क्या, इसमें क्रेंज एनाटोमी क्या है, अपसेंट है, ये ध्यान रखेंगे आप. क्रेंज एनाटोमी क्या है, अपसेंट है, एक ही टाइप का सेल है, दैट इज योर मेसोफिल सेल. क्लियर. अब एक और चीज़ ध्यान देना आपको, इसमें इसका जो साइकिल है नियरली सिमिलर टू योर C4 साइकिल, नियरली सिमिलर, अभी डिस्कस भी करेंगे. और इसमें जो नीट में क्वेश्चन आया था वो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. नीट में जो क्वेश्चन आया वही सिंपल आया कि CAM प्लांट जो है वो किसके लिए यूजफुल है. तो ये लोग यूजफुल है योर फॉर वाटर कंजर्वेशन, ठीक है. ये सबसे सिंपल क्वेश्चन आया था नीट में, जो आया क्वेश्चन अभी तक, कि CAM साइकिल इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर वाटर कंजर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन के लिए ही CAM साइकिल चलता है प्लांट्स पर. तो आप ये ध्यान रखेंगे बेसिक चीज़, ठीक है, CAM साइकिल फॉर वाटर कंजर्वेशन. ये नीट में आया हुआ तो क्वेश्चन रिपीट होता है, तो यही आएगा. चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग. ओके, वी आर मूविंग फॉर एहेड. अब एक चीज़ ध्यान देना आपको, अभी हमने C4 प्लांट्स C4 साइकिल डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा वो वीडियो. C4 साइकिल में क्या था, दो सेल्स थे, टू डिफरेंट सेल्स थे, ठीक है, टू सेल्स थे. इनको मैं बोल रहा था मेसोफिल सेल एंड दिस वाज योर बंडल सीड सेल. सबसे पहला क्या हो रहा था, CO2 फिक्सेशन यहाँ हो रहा था, और यहाँ पर CO2 फिक्सेशन के लिए यूटिलाइज कौन रिस्पॉन्सिबल था, पेप. प्राइमरी एक्सेप्टर फॉर CO2 क्या था, पेप. फिर ये CO2 एस्पार्टेट और मैलिक एसिड के थ्रू यहाँ पहुँच रहा था उसके फॉर्म में, फिर CO2 रिलीज हो रहा था यहाँ, और फिर यहाँ CO2 को एक्सेप्ट कौन कर रहा था, C3 साइकिल चल रहा था. C3 साइकिल तो यूनिवर्सल है, RUBP एक्सेप्ट कर रहा था, यानी कि पेप क्या हुआ, प्राइमरी एक्सेप्टर. अच्छा, ये कंसेप्ट वहाँ छूट गया था, ध्यान रख लें आप. प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 पूछे आपसे तो क्या होगा, पेप. लेकिन C4 साइकिल में यदि आपको सेकेंडरी एक्सेप्टर पूछे तो RUBP, क्योंकि सेकेंड स्टेप में तो जो C3 साइकिल चलेगा बंडल सेल में वो तो RUBP ही चलाएगा, ठीक है. तो आप देख रहे हैं यहाँ दो सेल रिस्पॉन्सिबल है CO2 के फिक्सेशन के लिए, अलग अलग टाइम, अलग अलग, मतलब टाइम तो सेम, लेकिन दो सेल से रिस्पॉन्सिबल CO2 के फिक्सेशन के लिए. मतलब यहाँ जो CO2 का फिक्सेशन है वो सेपरेटेड बाई सेल्स है. जबकि हम CAM प्लांट्स की बात करें, CAM प्लांट्स की बात करें, तो सेल तो मैंने पहले ही बता दिया, सेल तो एक ही है, लेकिन जो CO2 फिक्सेशन का जो टाइमिंग है, टाइमिंग फॉर CO2 फिक्सेशन इज डिफरेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है. तो एक अच्छा अच्छा लाइन लिखा हुआ था, मैं कहीं पढ़ रहा था, आपको बताऊं, शायद कहीं लिखा था मैंने, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं. तो यहाँ क्या, जो आपका CAM प्लांट्स है यहाँ टाइमिंग इज़ डिफरेंट, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन है. जबकि जो C4 प्लांट्स था वहाँ टू साइकिल मस्ट बी डिफरेंट, मतलब डिफरेंट प्लेस पर चल लेते हैं. यहाँ प्लेस क्या है, CAM साइकिल में प्लेस सेम है, सेल एक ही है, लेकिन C4 प्लांट्स में क्या है, प्लेस अलग अलग है CO2 फिक्सेशन के लिए. यहाँ टाइमिंग अलग है, यहाँ प्लेस अलग है. हाँ, याद आ गया मुझे लाइन. यहाँ क्या है, स्पेशियल डिफरेंशिएशन है, स्पेशियल डिफरेंस है. और यहाँ क्या डिफरेंस है, टेम्पोरल डिफरेंस. अच्छा अच्छा वर्ड है, सुनने में अच्छा लगता है, टेम्पोरल मीन्स टाइम के साथ डिफरेंस है, ठीक है. अभी डिस्कस करेंगे CAM साइकिल तो आपको समझ में आ जाएगा. तो ये वर्ड ध्यान है कि आपको, यदि एम्स में ये वर्ड आया हुआ है इसलिए मैं बताना का पूरा कोशिश कर रहा था याद करने की, ठीक है. ये एम्स में आया हुआ, ध्यान रखें आप. टाइमिंग डिफरेंट है ना, मैं बता रहा हूँ क्यों, सुनिए ध्यान से आप. जो CAM प्लांट्स है आपका, मतलब Crassulacean Acid Metabolism जो प्लांट्स है, ठीक है, इसका जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के बारे में इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, इसका जो स्टोमेटा है आपका, इसका एक फीचर है, इसको स्टोमेटा बोलते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा. मतलब क्या हुआ, देखिएगा ध्यान से, नाइट टाइम में जब रात्रि का समय होगा तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होगा, ठीक है, और डे टाइम होगा जब टेम्परेचर हाई होगा बाहर का तो क्या होगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा. आप कॉन्सेप्चुअल भी रिलेट कर सकते हैं ना,
क्योंकि जो ये लोग प्लांट्स मिलेंगे आपको वही डिजर्ट वाले प्लांट्स ही मिलेंगे, तो क्या होगा जो दिन में गर्मी ज़्यादा रहती है तो रेस्ट जो आपका वाटर लॉस है इन द फॉर्म ऑफ एवोपोरेशन एंड अदर ट्रांसपीरेशन वो क्या होता है ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वाटर लॉस को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि स्टोमाटा को क्या किया है डे टाइम में क्या किया है बंद रखा है, स्टोमाटा को डे टाइम में क्या रखा है बंद रखा है ताकि आपका जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है वो क्या हो सके डिक्रीज हो सके। मतलब ट्रांसपीरेशन डिक्रीज करने का मतलब मेरा मेन गोल क्या है आपका वाटर लॉस क्या हो सके मिनिमाइज हो सके। और बात भी किया अभी कैम्प प्लांट का सबसे बड़ा रोल क्या वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, इसलिए क्या करते हैं इसके स्टोमाटा को हम डे में बंद रखते हैं और नाइट में खोलते हैं, क्योंकि नाइट में गर्मी कम है तो नाइट में खोलते हैं, ओके। नाइट में स्टोमाटा ओपन होता है और नाइट में स्टोमाटा ओपन होकर एक देखिए मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए आपको CO2 चाहिए, CO2 तो मस्ट है। यदि मान लीजिए स्टोमाटा आपका रात में ही बंद हो दिन में ही बंद हो तो CO2 प्लांट्स नहीं ले पाएगा, कैम्प प्लांट्स तो रेड हो जाएगा, इसलिए CO2 तो लेना पड़ेगा। तो CO2 कब लेगा ये रात में, इसलिए रात में स्टोमाटा क्या होगा ओपन होगा और रात में ही क्या करेगा पूरा CO2 को लेकर अपने अंदर डिपॉजिट कर लेगा, ठीक है, बैंक की तरह अपने डिपॉजिट कर लेगा। अब चूँकि रात में लाइट तो है नहीं और लाइट क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, लाइट तो फोटोसिंथेसिस के लिए मस्ट कंडीशन है। तो रात में फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा क्योंकि लाइट एब्सेंट है, लेकिन प्लांट्स क्या करेगा कैम प्लांट्स कि रात में CO2 का स्टोरेज अपने अंदर खूब कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि दिन में मैं CO2 नहीं ले सकता, उसको पता है क्या कि मैं दिन में CO2 नहीं ले सकता क्योंकि दिन में मेरे स्टोमाटा क्या रहेंगे बंद रहेंगे, उनको पता है कि दिन में मैं CO2 नहीं ले सकता क्योंकि दिन में मेरे स्टोमाटा बंद रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया रात में ही पूरा CO2 अपने अंदर स्टोर करके बैठ गया। अब दिन हुआ तो क्या हुआ लाइट आएगा, दिन में क्या होगा लाइट उनको मिलेगा, ठीक है, लाइट आया प्लांट्स मान लीजिए प्लांट है आपका, तो दिन में क्या हुआ लाइट प्लांट पर गिरा। अब चूंकि रात में इन्होंने CO2 स्टोर कर लिया तो CO2 स्टोर जो था वो रिलीज होगा, अब CO2 जाएगा, ठीक है, CO2 रिलीज कर देगा प्लांट, CO2 भी है लाइट भी है सब कुछ है, तो फोटोसिंथेसिस आपका हो जाएगा। तो ध्यान रखना आप रात में है ये स्टोमाटा बंद खुलेंगे CO2 ले लेंगे अपने अंदर स्टोर कर लेंगे अपने वेहिक्यूल के अंदर, वो CO2 फिर वो दिन टाइम में रिलीज कर देंगे ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके क्योंकि दिन में लाइट मिल जाएगा उनको। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, अब आते हैं इसके बेसिक मैकेनिज्म पर कैसे होता है। तो देखिए प्राइमरी स्टेप वही है, सबसे पहले हम बात करते हैं रात की, ठीक है, ओके। नाइट टाइम में क्या होगा आपका बेसिक स्टोमाटा क्या रहेगा खुला रहेगा, ठीक है, स्टोमाटा खुला रहेगा। तो इसके थ्रू क्या होगा सिंपल शब्दों में समझिए, इसके थ्रू क्या होगा CO2 अंदर आएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है आपको, CO2 क्या होगा अंदर आएगा। अब CO2 अंदर आएगा तो फर्स्ट स्टेप क्या था सिफर साइकिल का, जब आपका पेप होता है फोस्फोइनोल पाइरूवेट ये क्या करेगा CO2 को ले लेगा और क्या बना देगा आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। एंजाइम जो वो क्या है आपका पेप केज। अब क्या होगा ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा था आपका अभी डिस्कस भी किया था सीफोर साइकिल में हमने एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड में दोनों में से किसी में कन्वर्ट होता। पहला स्टेप क्या था फोस्फोइनोल पाइरूवेट क्या किया CO2 को एक्सेप्ट करेगा, CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर यहाँ पर NADPH के यूटिलाइजेशन से, यहाँ NADPH का यूटिलाइजेशन होगा, इसके यूटिलाइजेशन से इन्होंने क्या बना देगा एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड। एंड दिस एस्पार्टिक एसिड एंड मैलिक एसिड दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, दिस एस्पार्टिक एसिड एंड मैलिक एसिड गोज एंड स्टोर विद इन योर वैक्यूल ऑफ द कैम प्लांट्स। कब ये रात्रि में चल रहा है ये रात का बात है, ठीक है, तो ये एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड स्टोर होगा वैक्यूल में रात में, ठीक है। अब दिन की बात करते हैं, नाउ कमिंग फॉर द डे टाइम। डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में क्या है लाइट प्रेजेंट है, ठीक है, इसका मतलब जो आपका फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या हो सकता है यदि लाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस हो सकता है। हमको इसके लिए क्या चाहिए बस CO2 रिक्वायर्ड चाहिए। अब देखिए क्या है, तो जो वैक्यूल था ये अपना, इस वैक्यूल में CO2 स्टोर था इन द फॉर्म ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड मैलिक एसिड,
ओके, तो ये क्या होगा जो इसके अंदर का रिएक्शन में दिखा रहा हूँ। तो एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड की बात कर लूँ तो ये क्या होगा, इसमें इट विल कन्वर्टेड टू योर पायरुविक एसिड, दैट इज योर 3 कार्बन कंपाउंड एंड इट इज योर 4 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ क्या होगा, CO2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये CO2 जो रिलीज हुआ वो चला जाएगा किस में, विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर C3 साइकिल। C3 साइकिल मींस RUPP तो है ही, RUPP वेट कर रहा है, ये CO2 ले लेगा और क्या बना देगा आपका 3PGA। ओके, 3PGA फिर कन्वर्ट होगा ट्रायोज फॉस्फेट में, और ट्रायोज फॉस्फेट फिर रीजनरेट कर देगा RUPP को, मतलब ये C3 साइकिल चलने लगेगा और यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होने लगता है इस स्टॉप पर नीचे एक कार्बन जा जाकर, ठीक है। बात समझ आ रहा है। देखिए तो लाइट प्रेजेंट है दिन में तो फोटोसिंथेसिस हो सकता है, CO2 चाहिए, CO2 क्या किया हमने वैक्यूल में जो रात में स्टोर किए थे CO2 इन द फॉर्म ऑफ एस्पार्टिक एसिड एंड मैलिक एसिड, उससे CO2 रिलीज कराना शुरू किया है पायरुविक एसिड। ये पायरुविक बना, ये पायरुविक क्या करेगा फिर से रीजनरेट करेगा किसको, पेप को, ताकि वो फिर रात में CO2 को ले सके, ठीक है। मतलब वही C4 साइकिल जो अपने पढ़ा पिछले वीडियो में, सेम C4 साइकिल है, बस यहाँ पर दो चीज़ समझ आता है कि कैसे CO2 को स्टोर कर रहा है और कैसे CO2 को रिलीज कर रहा है सीधे इसमें कैम साइकिल में, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो ये था पूरा मैकेनिज्म बिहाइंड योर कैम पाथवे। तो कैम पाथवे में के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना आपको, इट इज़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सबसे यदि एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट कंजर्वेशन का ऑर्डर बताना आपको प्लांट्स के बारे में, ठीक है। दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछे जाते हैं, वो ध्यान रखना आपको। देखिए पानी कंजर्वेशन के मामले में सबसे हाईएस्ट कैम प्लांट्स है, उसके बाद आपका C4 है, उसके बाद C3 है। एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो C4 C3 और कैम, मतलब प्रोडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। और ये आपका है वाटर कंजर्वेशन के बारे में। तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे कैम प्लांट्स के बारे में। पिछला वीडियो देखिए C4 प्लांट्स, अब एक ही कंटेंट बचा है अपना फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।